मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कब है सही मकर संक्रांति, क्या है उसका शुभ मुहूर्त, कब आप ये मकर संक्रांति मनाएंगे, क्या दान करेंगे, और इसी के साथ ही भगवान सूर्य नारायण की विशेष उपासना आप कैसे करेंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, कैसे राशि अनुसार आपको जल अर्पित करना है, कौन सी विशेष सामग्री आप जल में डालेंगे जिससे भगवान सूर्य की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा होने वाली है, लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे, चार महा उपाय भी एक सटीक समय पर आपके साथ साझा करने वाला हूं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम सवित्रे नमः, इस मंत्र को आप नोट करिए। ओम सवित्रे नमः, इस मंत्र का आज के दिन 108 बार जाप करने से भगवान सूर्य नारायण की विशेष कृपा होगी और कहीं ना कहीं आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो भाई, इस मंत्र का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय। ये समय रहेगा दोपहर 3 से 4:30 के मध्य। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, सदुपयोग करिए समय का, भरपूर लाभ उठाइए, आपका कार्य जरूर बनेगा। मित्रों, ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। शाम 4:30 से 6 के मध्य कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य ना करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कब है मकर संक्रांति, कब मनाएंगे आप मकर संक्रांति, कब करेंगे भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश। सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, जब सूर्य नारायण मकर राशि अर्थात शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले जब सूर्य नारायण धनु राशि में होते हैं तो खरमास होता है, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य उस समय नहीं होते। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस मकर संक्रांति को उत्तरायणी पर्व भी माना जाता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और इस दिन स्नान करने से, दान करने से, ध्यान करने से और विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करने से, आराधना करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलता है इस दैनिक दिनचर्या में। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर सके तो आप बिल्कुल ना घबराइए, आप अपने घर पर रहकर ही स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल मिला लीजिए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनिए और भगवान सूर्य की उपासना जरूर करिए। इस दिन गर्म कपड़े, मूंगफली, गजक और खिचड़ी का दान किया जाता है। अब आपको बताते हैं मित्रों कि कब मनानी है मकर संक्रांति, क्या उसका विशिष्ट मुहूर्त है, कब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब आप सटीक समय और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। देखिए, सूर्य मकर राशि में 14 तारीख की रात होने के बाद यानी कि 15 जनवरी 2024 को सुबह 2:45 पर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाना सर्वप्रद लाभप्रद माना जाएगा और कहीं ना कहीं भगवान सूर्य की विशेष कृपा आप पर होगी। राशि अनुसार कैसे करना है भगवान सूर्य को जल अर्पित, वो आपको बता देते हैं। क्रमानुसार आप उस विधि को भी नोट करिए, कौन सी समस्या आपकी हल होगी वो भी जान लीजिए। देखिए, सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति होती है। विशेष तौर पर जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आते हैं तो यह मकर संक्रांति बन जाती है। सुबह 6:30 से लेकर और करीब करीब शाम तक पुण्यकाल बना रहेगा, तो आप इस विशिष्ट समय भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। वैसे तो आप सुबह के समय जल अर्पित करेंगे तो ज्यादा लाभप्रद होगा।